इंडिया पर अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद ने बड़ा बयान दिया है। अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मंत्रालय लगातार पसमंदा समाज को लेकर आगे बढ़ रहा है। कहीं 2022 से लेकर लगातार हम देखने की तरीके से आगे बढ़ता हो जा रहा है। हमारे साथ बात करने के कुछ मौजूद हैं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद जी। दानिश भाई, पूरी तैयारी है एक बार फिर से पसमंदा समाज की, 27 तारीख से स्नेह मिलन समारोह आप यात्रा भी निकल जा रहे हैं, क्या रहेगा उसका रोड मैप और किस तरीके से आप देख रहे हैं इस यात्रा को? देखिए, आज जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पसमंदा समाज की तरक्की, उसके उत्थान के लिए पूरी ईमानदारी से 2014 से लेकर अब तक काम किया है, इसका सीधा लाभ पसमांदा समाज को मिला है। आज हमारा मुस्लिम समाज पसमांदा वर्ग जो है ये मानता है, उसे विश्वास है कि सही मायनों में उसे एक ऐसा नेतृत्व मिला है प्रधानमंत्री जी के रूप में देश में और उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार के रूप में, जो निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव के पसमांदा समाज के उत्थान की बात न केवल कहते हैं बल्कि धरातल पर उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर भी रहे हैं। देखा जाए कि लगातार समाजवादी पार्टी अभी भी है, जब आप लोग का पसमंदा समाज के इतने बड़े आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग किया था, फिर योग दिवस आप लोग ने पूरा यहाँ पे करने की कोशिश की थी, देखा गया था चाहे योग हो चाहे आपका मन की बात का कार्यक्रम हो मदर समिति के, तो इसको सब चीज़ को अगर कहीं कोई देखते तो विपक्ष इसमें कहता है कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और मुसलमानों का हित कभी सोच ही नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सही मायनों में तो आम मुसलमानों के दिल की बात मैं आपको बताऊँ तो आम मुसलमानों के दिल में ये है कि सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम समाज का किस